हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब से डीएसएसपी के फॉर्म भरे गए हैं, बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बार बार कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो में, कमेंट पे, हर जगह एक ही क्वेश्चन बच्चों का है कि सर एग्जाम कब होगा? क्या 2018 की तरह लास्ट में जाकर एग्जाम होगा या बीच में भी एग्जाम हो सकता है? दोस्तों, फिलहाल जब इस वीडियो को बना रहे हैं, 3 अप्रैल को अभी इंडिया के अंदर लॉकडाउन चला हुआ है। 15 तारीख को लॉकडाउन ओपन होने की संभावना है। अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन लंबा चलता है तो भी देश की सुरक्षा के लिए, लोगों के जीवन के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए ये जरूरी कदम भी माना जाएगा। अब आज के समय अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के दौरान हालांकि सारी चीजें बंद हैं, हर कोई अपने घर पर तैयारी कर रहा है, हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेज हों या यूट्यूब वाली क्लासेज हों, सब घर से ही बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इसमें एक फायदा ये है कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके हैं। जिन लोगों ने टाइम रहते हुए स्टडी मटेरियल, बुक्स, किताबें, जो कुछ लेना था वो ले लिया, वो आराम से घर बैठ करके हर रोज कई सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अब भी ये जानते हैं कि सर एग्जाम का कुछ आइडिया लगे, तो आज हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे कि डीएसएसबी के एग्जाम कितना आगे जाने के चांसेस हैं। अब आज के समय आप लोगों को हम इस YouTube वाले, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं उनको तो पूरा कोर्स डे टू डे जाता ही है, जो बच्चे YouTube के ऊपर जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? फिलहाल में हिंदी का टेस्ट पेपर, 6 टेस्ट पेपर आ चुके हैं, लगभग एक दिन छोड़ करके एक दिन हिंदी का टेस्ट पेपर आप लोगों को हम देते हैं। उसके साथ साथ जीके का टेस्ट पेपर, एक दिन छोड़ करके एक दिन जीके का टेस्ट पेपर आता है, 4 टेस्ट पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। उसके साथ पॉलिटी की क्लासेज अल्टरनेट डे पर डेली मानी आती है, हिस्ट्री की क्लासेज हर रोज शाम को 8 बजे आपके लिए अवेलेबल होती है, इकोनॉमी की क्लासेज एक दिन छोड़ करके एक दिन 3 बजे आपको मिलती है। ये लगभग 6-7 क्लासेज जो हैं वो डेली आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये तो आप लोगों को इससे आइडिया, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, वहां पर जाके देख लीजिए। हर प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी आप लोग इनको एक बार तैयारी कर सकते हैं। ये तो हम जो कोशिश कर सकते हैं आप लोगों के लिए वो रहेगी। हालांकि जो स्टडी मटेरियल बाई कोरियर पूरे भारत में हमारा जाता है वो 15 तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों को चाहिए वो वीडियो के लास्ट में नंबर वगैरह है, वहां से देख सकते हैं। अब बात अगर करें डीएसएसपी की परीक्षाओं की, अभी कोई निर्धारित अधिसूचना तो नहीं है और न ही निकट भविष्य में इसके आने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये सलाह हमारी है कि आप आने वाले 4 से 5 महीने तक कठिन मेहनत करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। इससे आइडिया आपको लग गया कि लगभग लगभग 4 से 5 महीने तक नजदीक नजदीक एकदम से कोई एग्जाम नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि पीजीटी के साथ साथ जो टीजीटी वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे एसएसटी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत और एसएसटी, इनकी भी वैकेंसी आएंगी और फिर इकट्ठे पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम होंगे, वो भी एक हो सकता है। लेकिन देश के सिचुएशन देखते हुए अगले 3-4 महीने तक तो गैदरिंग के कोई चांसेस कहीं पर है ही नहीं, ये सिंपल बात है। क्योंकि लॉकडाउन हालांकि पहले खत्म हो जाए, लेकिन अधिसूचना और सूचनाएं लगभग कोरोना का जो अटैक विश्व भर में है, आने वाले 3-4 महीने दुनिया के लिए काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। तो कम से कम मानिए 4-5 महीने तक तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और ये वो समय है 4-5 महीने जिस समय आप जी लगाकर अगर मेहनत करेंगे तो जाकर के आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे पीजीटी वाले हैं और पीजीटी का सिलेबस कितना होता है, कंसेप्ट कितने होते हैं, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए एग्जाम की, यानी मोस्ट प्रोबेबली डेट जो है वो जुलाई 2020 के बाद ही आपको दिखेगी, यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक तो ज्यादा से कोई चांसेस आपके लिए नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल 99% चीजें नजर आ रही हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी हमारे पास अपडेट आएगी तो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल के नोट जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंप्यूटर साइंस के हैं, ये पीजीटी मैथमेटिक्स के हैं, ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के हैं, यानी सभी सब्जेक्टों के हैं। ये तो कुछ सैंपल आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोगों को
आसानी हो इन चीजों को समझने में, और इस नंबर पर कॉल करके 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। 15 तारीख से ऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। तब तक डे टू डे जो मटेरियल के लिंक हैं और जो व्हाट्सएप पे भेजे जा सकते हैं, उनके लिए आप लोग अपना DSSB, साथ में अपना नाम, सब्जेक्ट और आपका सिटी कौन सा है, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी हर रोज जो वीडियोज अपलोड होती हैं उनके लिंक आप लोगों को भेजना हो, हर रोज का जो टाइम टेबल है वो आप लोगों को बताना हो, और कोई भी नई अपडेट हो, सिलेबस हो, कुछ भी चीज हो, वो सारी चीजें आप लोगों को बाय व्हाट्सएप यहाँ पर मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप वाली जो मदद है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई किसी का चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने लोगों तक मदद पहुंच पाए उतना बेटर रहेगा। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है दोस्तों, जिसको किताबें, कॉपियां, बुक, नोट्स, कुछ कहाँ भी जो भी कहीं से भी आप जो लेना है उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि धीरे धीरे करके आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और घरों पर बिताना पड़े, ताकि हम लोग इस लड़ाई को जीत पाए। अपने आप को सेफ रखिए, बचा के रखिए, घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, अदरवाइज मत निकलिए। सफाई का ध्यान रखिए, लोगों के साथ मिलने में घुलने में डिस्टेंस बना के रखिए, ज्यादा घुलिए मिलिए मत, दूरी बना के रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही सब कुछ ठीक रहेगा। अगर बीमार हो गए तो बहुत पीछे चले जाते हैं हम सभी लोग, और कम से कम इस चीज से तो आप लोग बच ही सकते हैं। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। हर प्रकार के डाउट हम लोग आप लोगों के चैनल पे ले भी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग कब सोचते हैं एग्जाम हो पाएगा, उसके लिए